टॉप 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रैक्स टू रिचेस। पाकिस्तान के वो 10 क्रिकेटर्स जो पहले बहुत गरीब थे। नंबर 10, शोएब अख्तर। दोस्तों शोएब अख्तर आज की दुनिया में एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुके हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तमाम क्रिकेट के दीवानों में काफी मकबूल भी हैं। दोस्तों जब शोएब अख्तर अपने कैरियर की ऊंचाई पर थे तो इनको सामने आता देखकर तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों की भी टांगे कांपने लगती थी। आज इनकी गाड़ियां और आलीशान घर, इनका लग्जरियस लाइफस्टाइल देखकर और इनकी शान और शौकत देखकर कोई भी इनको खानदानी रईस ही समझेगा। मगर हकीकत तो ये है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब खानदान से है। इनके वालिद पेट्रोल पंप पर गार्ड की नौकरी करते थे और इन्होंने अपना बचपन बीमारी और कसम पुट्टी में गुजारा। इनका खानदान एक कच्चे मकान में रहा करता था और इनके पास इस झोंपड़े को पक्का कराने और मरम्मत कराने के पैसे भी ना थे। शोएब अख्तर जब PIA के लिए क्रिकेट के ट्रायल्स देखने के लिए लाहौर आए तो इनके पास बस के पैसे भी ना थे और इसलिए इन्होंने रावलपिंडी से लाहौर तक का सफर बस की छत पर तय किया और वो भी ऐसे कि जब कंडक्टर इनको बस से उतार देता तो ये दोबारा भाग कर चलती हुई बस पर फिर से चढ़ जाया करते थे, क्योंकि चलती हुई बस भी शोएब अख्तर से कम स्पीड पर भागती थी। शोएब पैदाइशी तौर पर एक फ्लैट फुटेड इंसान थे जिसकी वजह से इनके लिए चलना नामुमकिन था, मगर जिस दिन इन्होंने क्रिकेट की बॉल हाथ में पकड़ी इसके बाद इन्होंने बाकायदगी से दौड़ना भी शुरू कर दिया और बहुत जल्द दुनिया के तेज तरीन बॉलर भी बन गए। शोएब अख्तर अपनी बरक रफ्तारी और अपने खौफनाक तरीन बाउंसर्स और यॉर्कर्स की वजह से आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इस दिन तारीख के तेज तरीन बॉलर भी बने जब इन्होंने अपने मुखालिफ बल्लेबाज को 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल फेंकी। आज शोएब अख्तर की नेटवर्थ $25 मिलियन से भी ज्यादा है और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। शोएब अख्तर का ईशा दोल और सोनाली बांद्रे के साथ माजी में काफी गर्मा गर्म अफेयर भी चला, मगर इन्होंने एक 18 साल पाकिस्तानी लड़की रुबाब से 2014 में शादी की थी। स्पीड मास्टर शोएब अख्तर खुद भी तेज तरीन चीजों के काफी फैन है, जैसे कि तेज गाड़ियों और हैवी बाइक्स के। एक झोंपड़े में जिंदगी गुजारने वाला ये बच्चा आज अपने घर के गैराज में ऐसी ऐसी सौगातें रखता है कि करोड़पति लोग भी इसे देख के रश करें। शोएब अख्तर के पास एक होंडा CBR फायर ब्लेड, एक डुकाटी 999, एक रेसिंग कार टोयोटा सेला, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो, एक मर्सिडीज SLR 129 और इसके अलावा एक होंडा सिविक रिबॉन भी मौजूद है। और दोस्तों ये वही गाड़ी है जिसमें शोएब अख्तर एक बार नशे की हालत में पकड़े भी गए थे, बल्कि इनका एक खौफनाक हादसा भी इसी कार में हुआ था, इसलिए ये कार मशहूर तो है मगर कुछ बुरी वजूहात की बिना पर। नंबर 9, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों अब्दुल रज़ाक एक जबरदस्त और धुएंदार बल्लेबाज थे जो कि मुखालिफ बॉलर्स को दिन में तारे दिखा देते थे, मगर ये बात तो आप सभी जानते होंगे। मगर आप सब ये जानकर काफी हैरान होंगे कि शार्क के नाम से मशहूर ये नौजवान एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और इनके क्रिकेट में आने से पहले इनके वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे जो कि पुरानी और टूटी फूटी मशीनों को ठीक किया करते थे। अब्दुल रज़ाक न सिर्फ एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे बल्कि इनको खुद भी पढ़ने में कोई ध्यान ना था और ये स्कूल जाने के बजाय हर वक्त गांव में आवारागर्दी करते नजर आते थे। इन दिनों इनके पास क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पैसे भी ना थे, मगर जब इन्होंने लंबे लंबे छक्के मारना शुरू कर दिए तो हर तरफ इनकी धूम मच गई। अब्दुल रज़ाक ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज किया और वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर साबित हुए जिन्होंने अपनी मीडियम फास्ट बॉलिंग और तबाहकुन बल्लेबाजी से दुश्मनों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिए। अब्दुल रज़ाक खास तौर पर मैच के आखिरी 15 ओवर में छक्के मारकर मैच का पांसा पलट देने की सलाहियत रखते थे। इन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 7500 रन बनाए और 350 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह भी दिखाई। अपने कैरियर की ऊंचाई पर अब्दुल रज़ाक दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर थे और इनका काफी अरसा तक स्टेज डांसर दीदार के साथ अफेयर भी चलता रहा, मगर दीदार के पेशे की वजह से दोनों की शादी ना हो सकी। नंबर 8, शादाब खान। दोस्तों शादाब खान वो नाम है जिसने पिछले 5 साल के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन को सबसे ज्यादा महसूस किया है। वो एक ऐसे स्पिनर है जो कि किसी भी बैटिंग लाइनअप को तबाह और बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं और दुनिया को शेन वॉर्न और मुरलीधरन की याद दिलाते हैं। शादाब खान आज न सिर्फ पाकिस्तान के नायब कप्तान भी हैं बल्कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कप्तान हैं। मगर ये बात जानकर यकीन ही नहीं आता कि ये नौजवान सिर्फ 16 साल की उम्र में एक होटल पर छोटे के तौर पर चाय वाला बना फिरता था और अपने बाप के साथ रेडी भी लगाता था। आज इनकी उम्र सिर्फ 23 साल है मगर वो अभी से अपने कैरियर में काफी कामयाब दिखाई दे रहे हैं। शादाब खान का ताल्लुक एक गरीब किसान घराने से है और वो अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी पर भी जाया करते थे। इनका क्रिकेट कैरियर सन 2016 से शुरू हुआ और इस दौरान इन्होंने तकरीबन 150 विकेटें भी हासिल कर ली हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में 2016 के पाकिस्तान वर्ल्ड कप और 2016 के नेशनल T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। इन्होंने कम उम्र में ही स्पिन बॉलिंग पर ऐसी कमाल महारत हासिल कर ली है कि जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का हिस्सा भी बना लिया गया था, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के ना देखा और आज
ना सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर क्रिकेट आइकॉन है बल्कि एक फैशन ट्रेंड सेटर भी बन चुके हैं। नंबर 7, मोहम्मद आमिर। दोस्तों, मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का वो कंट्रोवर्शियल नाम है जिसको सुनकर गुस्सा भी चढ़ता है और दुख भी होता है। आमिर एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं और ये 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे भी हैं, यानी कि जब भी कोई चीज मिलने का वक्त आएगा तो इनका 7वां नंबर होगा। मोहम्मद आमिर पैसों की कमी की वजह से कोई क्रिकेट ट्रायल्स ना दे सके, मगर एक मरतबा वसीम अकरम ने इनको बॉलिंग करते हुए देख लिया और वो इनकी रिवर्स स्विंग से बेहद मुतासिर हुए। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जगह भी बना ली। आमिर एक खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर साबित हुए जिनका मुआवजना वसीम अकरम और गैलन मैग्रा से किया जाने लगा और इन्होंने एक बहुत ही कम अरसे में ही विकेटों के भी अंबार लगा दिए। मगर सिर्फ 17 साल की उम्र में आमिर ने एक बहुत ही घनौनी गलती भी कर दी जब वो अपने ही कप्तान के साथ मैच फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े गए, जिसकी वजह से आमिर पर 5 साल का बैन भी लगा। मगर इन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और सजा मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन किया और फिर 2009 के T20 वर्ल्ड कप और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार भी अदा किया। मगर आमिर को आज भी दुनिया एक चीटर की तरह ही बुलाती है, जिसकी वजह से इन्होंने साल 2019 में क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। दोस्तों, मोहम्मद आमिर को दोबारा मौका देने का फैसला सही था या नहीं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 6, मोहम्मद आसिफ। दोस्तों, मोहम्मद आसिफ भी क्रिकेट की दुनिया के एक और ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अचानक से पाकिस्तानी क्रिकेट में आकर पहले तहलका मचाया, फिर इतनी ही तेजी से वो अचानक से इस दुनिया से गायब भी हो गए जैसे कि गधे के सर से सींग। मोहम्मद आसिफ एक बहुत ही दुबले पतले और लंबे कद के नौजवान थे जिनकी बॉल एक ही वक्त में बहुत ज्यादा स्विंग भी करती थी और इतनी ही तेज भी होती थी। आसिफ के वालदैन भी एक गरीब किसान थे और वो अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी किया करते थे और खेतों में काम करते थे और डंगरों की देखभाल भी करते थे। इन्होंने क्रिकेट कैरियर के लिए अपने स्कूल कॉलेज की जिंदगी को खैर बात कह दिया क्योंकि वो जानते थे कि इनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक ना था। आसिफ ने घर के काम और पढ़ाई को छोड़कर क्लब लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और वो बहुत जल्द पाकिस्तान की टीम में शोएब अख्तर के साथ फास्ट बॉलर भी बन गए। पैसे की लालच और हविस ने इनको अंधा कर दिया और ना सिर्फ बाकायदगी से नशा करने लगे बल्कि वो भी आमिर और सलमान भट्ट के साथ मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में भी मुलविस पाए गए और इस बंदे ने जितनी तेजी से तरक्की की थी इतनी ही तेजी से इनका जवाल भी आ गया। साल 2010 के आयाम में आसिफ का वीना मलिक के साथ अफेयर भी चला और इस दौरान अदाकारा ने आसिफ से बहुत सा माल और दौलत भी हथिया लिया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अदालतों में घसीटते रहे और बेडरूम की लड़ाई कमरे अदालत में खत्म हुई। नंबर 5, मोहम्मद इरफान। दोस्तों, 7 फुट से भी ज्यादा कद रखने वाले मोहम्मद इरफान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत ही कम अरसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, मगर इस दौरान वो बल्लेबाजों के लिए एक नई किस्म का खतरा बने रहे क्योंकि इतना लंबा कद जब आदमी का हो तो वो बॉल फेंके तो इसकी बॉल बाउंस भी बहुत ज्यादा करती है और बहुत ज्यादा तेज भी होती है। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक भी एक गरीब खानदान से ही था। वो जब बार बार स्कूल में फेल होते थे तो इनके वालिद ने इनको जूते बनाने की एक फैक्ट्री में लगा दिया जहाँ पर वो महाना 10,000 रुपए पे मुलाजमत करते रहे और इसके बाद इन्होंने प्लास्टिक पाइप्स बनाने की फैक्ट्री में भी काम किया। इरफान ने अपनी किस्मत क्रिकेट के अलावा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में भी आजमाई। मोहम्मद इरफान का क्रिकेट कैरियर इसलिए ज्यादा लंबा ना हो सका क्योंकि इनको कमर और टांग के दर्द का मुसलसल मसला रहा और इन पर स्पॉट फिक्सिंग के भी छोटे मोटे इल्जाम लगते रहे। नंबर 4, आसिफ अली। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जुनून से और इश्क से ही कामयाबी मिल सकती है और आसिफ अली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक मेहनत कश के बेटे थे और गुर्बत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने वालिद के साथ फैक्ट्री वर्कर की नौकरी करते रहे, मगर अपने क्रिकेट खेलने के शौक की खातिर इन्होंने अपनी नौकरी को गोली मारी और आज वो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक रोशन सितारा बन चुके हैं। दोस्तों, आसिफ अली आज के क्रिकेट वर्ल्ड के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ पिछले 1 साल में ही पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह पक्की की है और पिछले 3 साल से PCB इनको नजरअंदाज कर रही थी, मगर आज वो पाकिस्तान की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले चंद खिलाड़ियों में से एक है और इनकी महाना तनख्वाह PCB की जानिब से पाकिस्तानी 3 लाख रुपया है और पूरी दुनिया इनके नाम से वाकिफ भी है। आसिफ अली एक बेमिसाल पावर हिटर भी हैं जो किसी भी वक्त किसी भी मैच का फैसला बदलने की सलाहियत रखते हैं और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने पाकिस्तान को 2 मैचेस जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा भी किया और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेकर जाने वाले भी यही थे। नंबर 3, हारिथ रऊफ। दोस्तों, हारिथ रऊफ पाकिस्तान में आज तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं जो कि माजी के सुपर हीरो शोएब अख्तर की तरह अपनी तेज और तंद बॉलिंग से मुखालिफ बल्लेबाजों के लिए एक ड्रोने ख्वाब से कम नहीं, मगर दरअसल यही हारिथ रऊफ आज से कुछ साल पहले तक एक इंतहाई कम तनख्वाह पर किसी की दुकान पर कपड़ों के सेल्समैन का काम किया करते थे। हारिथ का क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का भी शौक था और एक दिन इनकी तेज रफ्तारी देखकर इनको किसी ने मशवरा दिया कि जाओ बेटा,
बेटा जाकर एक बार ट्रायल तो देकर देखो। बस फिर क्या था, हारिस ने जब लाहौर क्लेंदर्स को ट्रायल दिया तो वो माजी के फास्ट बॉलर आकिब जावेद की नजर में आए, जिनकी मदद से वो न सिर्फ लाहौर क्लेंदर के फास्ट बॉलर बन गए बल्कि आज वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के भी एक तेज तरीन फास्ट बॉलर बन चुके हैं। और अब जब भी फास्ट बॉलर्स की दुनिया भर में लिस्ट बनेगी तो इसमें इनका नाम जरूर डाला जाता है, क्योंकि ये 153 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी गेंद फेंक सकते हैं। नंबर 2, शाहनवाज धानी। दोस्तों इस लिस्ट पर मौजूद तमाम खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा नौजवान और नए खिलाड़ी हैं शाहनवाज धानी। शाहनवाज का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जहां पर तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और इसलिए ये आज तक स्कूल ना जा सके, बल्कि सिंध के इलाके से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान पूरी जिंदगी अपने वालदैन के साथ मजदूरी और खेती बाड़ी करते रहे और कभी कभार फूट की रेड़ी भी लगाते रहे हैं। शाहनवाज की गुर्बत की वजह से इनके पास ना बॉल थी ना बैट, इसलिए इन्होंने अपने भाई के साथ रेड़ी लगाकर पैसे जमा करने शुरू किए। दोस्तों शाहनवाज की गुर्बत का ये आलम था कि जब इनके पास जूते खरीदने के भी पैसे ना थे तो इनके दोस्तों ने ही इनको जूते दिलाए, क्योंकि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। आज शाहनवाज पाकिस्तानी टीम के एक मुस्तकिल रुकन बन चुके हैं और इनको मैच खेलने की तनख्वाह लाखों रुपए में मिलती है, मगर कुछ अरसे पहले तक इनका खानदान इतना गरीब था कि ये लोग टेलीविजन भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बल्कि वो लोग बैठकर मैच की सिर्फ कमेंट्री रेडियो पर सुना करते थे। नंबर 1, हसन अली। दोस्तों हसन अली एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया है और आज ये पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेहतरीन और भरोसामंद तेज बॉलर कहलाए जा सकते हैं। हसन अली का ताल्लुक गुजरांवाला से एक गरीब खानदान से है और इन्होंने कम उम्र में ही न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है बल्कि आज ये एक खतरनाक मैच विनर बॉलर बन चुके हैं। इन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराने में भी काफी किरदार अदा किया और इसके अलावा वो अपने मुनफरिद सेलिब्रेशन स्टाइल की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। माजी में कुछ टूर्नामेंट्स में इन्होंने काफी बुरी कारकर्दगी भी दिखाई थी, मगर ये हमेशा ही कमबैक जरूर करते हैं जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि पहले काफी गरीब थे और अब काफी अमीर हैं। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।